अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाला समोसा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए मैदा, साथ मैंने लिए ऑयल और साथ ये पानी इसको भूनने के लिए। और सबसे पहले मैं तैयार करूँगी समोसा पट्टी। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल और साथ में मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा नमक। सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और अब मैं इसको गूंदूंगी पानी डाल के। फ़िलहाल इतना ही। इसको हमने अच्छे तरीके से गूंदना है। मैं इसमें और डालूंगी पानी। पानी आहिस्ता आहिस्ता से डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना। हल्का सा और पानी, अब डो हो गई है मेरे पास रेडी। अब मैं इसका इस तरह पेड़ा बना के तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद अब डो को इस तरह पहले बेल लें सारा। करूंगी कटिंग इस तरह। कटिंग करने के बाद अब इस तरह हम इनके बना देंगे पेड़े छोटे छोटे। अब जी मैं बनाने लगी हूँ आलू का मिक्सचर, जिसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अनारदाना। ये ज़ीरा, ये सुर्ख मिर्च, ये है नमक। मिक्सचर को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, खुश्क धनिया, साथ में ये थोड़ा सा चाट मसाला। कर लूंगी हल्का सा रोस्ट। ये जी हो चुका है रोस्ट, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि बारीक मैंने काट के रखे हुए थे। और हल्का सा करूँगी इसमें फ्राई। फिर
प्याज हो गए हमारे पास हल्के से फ्राई में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैश किए हुए आलू और साथ धनिया पुदीना और ग्रीन मिर्च जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। अब मैं करूंगी इसे तरीके से इसको मिक्स इसमें आले में। अभी समोसों का मिक्सचर मेरे पास हो गया रेडी। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, फिर मैं फिलिंग करूंगी समोसों की। अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। अब मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार चटनी, जिसके लिए मुझे चाहिए धनिया पुदीना और इसके अंदर ग्रीन मिर्चें मैंने रखी हुई हैं, ये साथ में है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये दही। अब मैं इसमें डालूंगी ये धनिया पुदीना और साथ ये मेरे पास ग्रीन मिर्चें। दही फिलहाल कर रही हूँ साइड पे, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ मुझे चाहिए अनारदाना पिसा हुआ, कुछ धनिया पाउडर, नमक, सफ़ेद ज़ीरा। अब मैं इसको करूँगी अच्छे तरीके से ग्राइंड। चल हो गया ग्राइंड। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी, थोड़ी सी दही ऐड करके इसको मज़ीद करूँगी ग्राइंड। मिक्सचर हो गया हमारे पास रेडी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ऐड करने के बाद इसको मैं करूँगी मिक्स। चटनी हो गई है हमारे पास रेडी। आप लोग इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बना के रखी थी, अब मैं उनकी फिलिंग करने लगी हूँ समोसों की। हल्का से मैं सार लगा रही हूँ सारा पानी, यूँ हाथ करके यूँ, और इसको मैं यूँ कर दूँगी टर्न, यहाँ से यूँ शेप बना लें हाथ में यूँ रख के। हल्का सा इसमें आप फिलिंग कर लें सारी यूं करके सारी, और इसको बंद कर दें इस तरह, ये इस तरह। ये जी हमारे पास शेप हो गई है रेडी। वन बाय वन मैं इस तरह सारे बनाऊंगी। ये जी ये हमारे पास है शेप समोसे की। समोसे जी मैंने वन बाय वन बना लिए हैं सारे। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। अब मैं करने लगी हूँ समोसों को फ्राई। जूँ ही ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे इनकी साइड मैं चेंज कर लूंगी, दूसरी साइड इनकी पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे। अब जी मेरे पास मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे हो गए हैं रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।